अच्छा, यहाँ पर हमें वो भी नहीं मिला कि जिस तरह पाकिस्तान में ना हर कोई 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एक ढाबा टाइप काम चलता है। अब यहाँ पर रोड साइड पे आपको इस तरह के जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं इस तरह की कोई फूड शॉप टक शॉप टाइप जिस तरह हम लोग कहते हैं वो मिलती हैं। तो अभी हम डायरेक्ट जाएंगे फोर्ट फेडरिक। ये देखें जी हिरन इतने पास है, मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। चेक करें यार, सीन चेक कर अली, ये तो हम यूरोप में आ गए हैं। अनदर ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ द रोड, ये देखें क्या खूबसूरत एरिया है। ये देखें, सीन चेक करें। अच्छा जी, तो ट्रिकोमली इट्स आल्सो नोन फॉर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर बीचेस इतने ज़्यादा हैं जो कुछ आपने वीडियो में भी देखा, तो स्कूबा डाइविंग, बोटिंग, सेलिंग, हर चीज़ यहाँ पर। पैरा सेलिंग का मैंने नहीं देखा लेकिन लिखा हुआ था। तो ऑल काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नॉन आई मीन अराउंड ट्रिकोमले। तो फ़िलहाल अभी हम लोग ट्रिकोमले से निकल रहे हैं, शहर से होते हुए हम जाएंगे एला, और वहाँ पर जाने के लिए हमें लगेंगे तकरीबन कोई 6 घंटे के करीब। इट्स 11:43, तो हमारी कोशिश होगी कि सनसेट से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, विच इज़ क्लोज़ टू 287 किलोमीटर्स। तो अगर हमें रोड आज, जैसे हम लोग विवोनिया से आ रहे थे और हमें रोड बड़ी प्यारी और क्लियर मिली, अगर वैसे मिल गई तो हम लोग शायद और जल्दी पहुँच जाएँ। सो होप फॉर द बेस्ट एंड होप आवर जर्नी विल बी सेफ। हम लोग यहाँ मेन एरिया से निकलते हुए हैं, यहाँ टूरिस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मेन बाजार चिंगजीव के अलावा हमारी गाड़ियाँ नहीं खड़ी है। ये तो ट्रक वगैरह, तो ये आई थिंक ये वो जो लोकल स्ट्रीट्स एरिया शॉपिंग वाला है, फैशन मार्ट, कपड़े वगैरह सब कुछ है। आई थिंक जब हम लोग आए थे ना, ये सब ये वही रोड है, और लेकिन ये बंद थी अली, ये वही रोड है जिसमें हमने रॉन्ग वे ले लिया था। उस वक्त ये सारी दुकानें बंद थी और अब ओपन हो गई हैं, और ये वन वे ही है जाते हुए। तो जा रही आ नहीं रही। हाँ, आ रही है रही, सिर्फ बंदे आ रहे हैं और बंदियाँ आ रही हैं। वो गाड़ी है, अब तो कन्फर्म हो गया। चलो, ये बड़ी प्यारी सी मस्जिद भी। अंकल
का कोई ग्रुप आया हुआ है सी साइड पे। क्या खूबसूरत सी साइड, प्यारा बीच है, बहुत प्यारा बीच है। थोड़ा पहाड़ी इलाका भी शुरू हो गया रास्ते में। हम लोग तो वैसे जा माउंटेनियस रेंज में ही है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे ओपन प्लेन एरियाज। अच्छा अली, इसकी भी अलग वाइब आ रही है। नहीं, ये प्लेन यानी जो क्या कह सकते हैं इसको, फार्म लैंड, उसके बीचों बीच से हम लोग जा रहे हैं। हमने समुंदर के बीच में से भी ट्रैवल किया, फॉरेस्ट के दरमियान से भी, एंड नाउ वी आर इनटू दैट फार्म्स एंड एवरीथिंग। बड़ा ज़रखेज़ इलाका लग रहा है। इस एरिया की अलग ही वाइब से आ रही है, वीट ये उसकी पूरी फार्मिंग हो रही है या हो चुकी है। अच्छा, चाहे शहर हो या कहीं और, ख़वातीन बहुत स्कूटीज़ पे, बहुत आधे से ज़्यादा आई थिंक 70% तो हमें स्कूटीज़ पे ख़वातीन ही मिली हैं। हमें मैच के दौरान भी लड़का मिला था, उसने ये कहा था अगर टुक टुक ज़्यादा लड़के चलाते हैं, लेकिन बाइक्स और जो ऑफिस और जो वाइट कलर जॉब है ना, वो ज़्यादातर ख़वातीन के पास। और यही चीज़ हमें नज़र भी आ रही है, मीन ख़वातीन हर तरफ हैं। आपको वेटर्स भी ख़वातीन मिलेंगी, आपको स्टॉल टी स्टॉल पे भी ख़वातीन मिलेंगी, आपको लाइब्रेरीज में जो अटेंडेंट हैं उनको वो भी ख़वातीन मिलेंगी, लाइक यू नो टी फैक्ट्रीज़ वगैरह में गए तो ऊपर जो भी सेल या आगे पीछे है वो वहाँ पर भी ख़वातीन हैं। बड़े प्यारे प्यारे गांव आ रहे हैं बीच में, और बहुत ही प्यारे घर भी बनाए हैं और बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाए हुए हैं, यानी प्रॉपर अपना बॉर्डर किया हुआ है, फिर छोटा सा घर है, फिर फार्मिंग एरिया है, वाटर टैंक भी लगा है, वाटर टैंक्स अलग लगे हुए हैं बीचों बीच गांव के, छोटी छोटे पहाड़ियों की पट्टियाँ भी जो है ना बड़ी प्यारी लुक दे रही है। कोई बिजी बस स्टॉप एरिया लग रहा है, या तो ये मेन कोई टर्निंग पॉइंट होगा या कुछ फेस्टिवल है, एक क्या कहना मेला, कोई मेला शेला या कुछ स्पेशल है यहाँ पे जो चल रहा है, इसी वजह से यहाँ रश बहुत है। ये जो ईस्टर्न एरिया है श्रीलंका का जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको मुसलमानों की आबादी मिलती है, यानी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है इस ईस्टर्न साइड पे, ट्रिकोमाले से लेकर नीचे बाटाकोले और उसके नीचे अगर ये जो एरिया है ये पूरा।
एक और ब्रिज आ रहा है। ये भी कोई स्पेशल काम हो रहा है, नॉट श्योर क्या है, या तो ये फिशिंग, वो जो आर्टिफिशियल फिशिंग वाला काम रहता है, या साल्टेशन का, चेक करके बताएंगे नेट पे। जी यहाँ से कुछ पीने का पानी, और इट फील्स लाइक यहाँ एक बस खड़ी हुई है, वो जो रोड साइड ढाबे वगैरह होते हैं ना, अभी देखें लोग आ रहे हैं, ये स्टॉप है आई थिंक खाने वगैरह का। जी खाना हमने खा लिया, यहीं से रोड साइड से गुजर रहे थे तो एक छोटा सा कस्बा आया, तो वहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे के नज़र आए, खाना खाया, फ्राइड राइस और फ्राइड चिकन था तो उसके साथ, बट राइस भी यहाँ के ना थोड़े अलग से हैं, लाइक छोटे साइज़ के हैं, तो वो खाया, तो अभी हम लोग निकल पड़े एंड द नेक्स्ट स्टॉप इज़ एला। एला के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ की कैंडी टू एला की रोड ट्रेन राइड,
लेकिन हम लोग बाय रोड आए हैं यहाँ पर, तो बाय रोड का सफ़र भी इतना कोई यानी जिसको कहते हैं ना बुरा नहीं है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, सीनरी थोड़े बहुत, ज़्यादातर इलाके में ये होता है कि आपकी वो जो सीनरी आपका जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज़ आसपास जो प्लांटेशन हुई हुई होती है, बट ओवरऑल इट फील्स रियली वेरी गुड। और कुछ आई मीन देर आर कपल ऑफ डेंजरस टर्न्स एज वेल जिसमें आपको बहुत ही एहतियात करके आनी पड़ती है, बट नॉट श्योर। मैंने जो वीडियोस में देखे हैं इसमें जो एला की ट्रेन राइड है, इट डजंट मेक्स मच डिफरेंस। एला से पहले एक ब्यूटीफुल टाउन, सो वी आर इन द टाउन ऑफ बदूला। ये एला से पहले एक छोटा सा टाउन है बट खूबसूरत। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम राजा बाजार से गुजर रहे हों, लेकिन थोड़ा सीधा हो। अनदर ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ द रोड, ये देखें क्या खूबसूरत एरिया है। यहीं पर आसपास से कोई नहर या कोई वाटर स्ट्रीम भी जा रही है और उसके साथ साथ ये रोड पहाड़ों पर चढ़ रही है। मे बी जो ट्रेन राइड है वो सीनिक रहेगी, बट आई वुड रेट द रोड ट्रिप ऑल्सो वेरी मच ऑन द अपर साइड। ट्रेन राइड भी करेंगे जब मौका मिलेगा। ये देखें, सीन चेक करें। जैसे जैसे हम लोग एला के पास पहुंच रहे हैं, ग्रीन भी होता जा रहा है और शाम का मौसम भी है और हल्की सी बारिश हो रही है, तो वेरी वेलकमिंग सीन्स। फाइनल टर्न टुवर्ड्स एला, अब यहाँ से स्ट्रेट। ये देखें जी क्या खूबसूरत यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्यारी रोड है। नहीं लेफ्ट टर्न में आई वो रोड ही बोल रही है। ले जी, वेलकम टू एला, लुक्स गुड। होपफुली नाइट में यहाँ पर और हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा है। सो अभी फ़िलहाल होटल जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू रिलैक्स, चेंज करते हैं, सामान रखते हैं, देन वी विल कम आउट हेयर बैक अगेन। नहीं जी, हम पहुंच गए हैं द मोस्ट हैपनिंग एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी सो कॉल्ड। आई मीन अगर आप इंटरनेट पे जाएं, रेटिंग्स चेक करें तो एला 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 आपको 10 जगह यही चीज़ मिलेगी। तो फ़िलहाल हम यहाँ पहुँच गए हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। इस सफ़र को यहीं पर या इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है वरना। उम्मीद है आज का सफ़र, आज का एडवेंचर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर। दुआ में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें। अगले व्लॉग तक के लिए जो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़। अली अली, ये छोटी सी गाड़ी, पता नहीं कौन सी एलिवेटेड, अगली वीडियो में आप देखेंगे कि कहाँ से हम लोग बच बचा के ऊपर आए हैं। तो एंजॉय, बाय बाय।